नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। बड़ी खबर मेरठ से सामने आ रही है, जहां जिले के थाना बावनपुर इलाके में पुलिस ने दंतावली गांव के पास अवैध रूप से गोदाम में स्टॉक करके रखे गए लाखों रुपए के पटाखे बरामद किए हैं और मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि गोदाम मालिक दिलीप का पटाखों के भंडारण का लाइसेंस निरस्त होने के बावजूद भी उसने यहां करीब 6 क्विंटल पटाखे स्टॉक किए हुए थे, जिसे दिवाली पर मार्केट में खपाया जाना था। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, फिलहाल गोदाम को सील कर दिया गया है। पुलिस को एक सफलता मिली है, कामयाबी मिली है, गोदाम में छापा पड़ा है। किस चीज का गोदाम था, किस थाने का मामला, खेत में आरोप किया था? ये थाना बावनपुर में दतावली गाँव के पास दिलीप चुग है। ये इनका एक भंडारण की इनका पुराना लाइसेंस था, तो इस वक्त चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अभी भंडारण की परमिशन नहीं है, इसके बावजूद वहाँ छापा हमारे एसडीएम साहब द्वारा मारा गया। वहाँ लगभग 6 क्विंटल फटाखों की बरामदगी की गई है, 2 अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की गई है, लिखा पढ़ी चल रही है, जल्दी इनको न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगणों को पेश किया जाएगा। सर, लगभग कितने के पटाखे होंगे? लगभग 6 क्विंटल के हैं, वो 5 लाख से ऊपर के 10 लाख के पटाखे होंगे आराम से। इसलिए काफ़ी महंगे पटाखे चूँकि मार्केट में बेचे जाते हैं, काफ़ी बड़ी भारी मात्रा में बरामदगी हुई है। अपना काम करो, नहीं अपना काम को कर, रात भर दिन भर यही काम तो कोई रहेगा, उठा के ले आओ 2 कार्टून।